Hello everyone. Today we'll be solving some interesting questions from homework section of Mensa Notes CA Foundation. And I'll be starting with the topic called as sets. तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देखोगे होमवर्क सेक्शन से विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 to 8. अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना उन्होंने कॉमन डेटा दिया हुआ है, तो पहले वो कॉमन डेटा से गो थ्रू करते हैं. वो लोग बोलते हैं किमेया कॉलोनी हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2800 मेंबर्स. फिर उसमें ना तीन टाइप के म्यूजिक का बात की है, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली. इफ यू गो थ्रू द डेटा, वो लोग बोलते हैं ओनली इंग्लिश सुनने वाले 650 लोग हैं, ओनली हिंदी सुनने वाले 550, ओनली बंगाली म्यूजिक वाले 450 लोग, तीनों म्यूजिक सुनने वाले देर आर 100 पीपल. फिर हिंदी इंग्लिश 200, इंग्लिश एंड बंगाली 300, हिंदी एंड बंगाली 400. ओके, और इस डेटा के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. नाउ वी नो दैट तीन टाइप का म्यूजिक दिया है, तो अगर मैं तीन सर्कल वाला वेन डायग्राम बना लूं, and if I complete that entire Venn diagram, then I can answer all the questions based on it. Correct? So let us now prepare the three circle wala Venn diagram. तो एक English का circle, Hindi music का circle and Bengali music का circle. And this is the universal set. Okay? English, Hindi, Bengali. Now if you go back to the data, if you read the third line, bolo bolte hai, number of members listening only English is 650. Toh agar aap dekho, only English matlab ye wala part hota hai, toh isme kitne log hai as per the data? 650. So, यहां पर there are 650 people. वैसे ही if you look at the data, only हिंदी वाले 550 है and only बंगाली वाले 450 है. So, only हिंदी 550, only बंगाली 450. Now, if you look at this region, ये कौन सा region है जो तीनों music में आते हैं, हिंदी, English and बंगाली. तो if you look at the data, all three types of music सुनने वाले there are 100 people. So all three, there are 100 people. Okay? Then if you come back to the data, Hindi as well as English wale 200 log hai. Hindi as well as English wale 200 log. So if you look at this leaf is made up by Hindi and English. Ab na ye pure leaf mein, there are 200 people. Jisme se 100 log already aake baithe hue hai. To yahan par kitne log honge? रिमेनिंग. तो 200 माइनस 100 करो, 100 आएगा. ओके, वैसे ही हिंदी एंड बंगाली वाले 400 लोग हैं, हिंदी एंड बंगाली वाले 400 लोग. तो दिस इज हिंदी एंड बंगाली वाला लीफ. टोटल 400 लोग हैं जिसमें से 100 लोग ऑलरेडी आके बैठे, तो यहां पर कितने लोग होंगे? 300 पीपल. Then if you read the last line, Bengali as well as English, 300 log. So Bengali and English matlab ye wala leaf. Total 300 log hai jisme se 100 already aake baithe hai. To yahan par kitne log honge? Sir, all the questions turn by turn. So if you look at question number 4, log bolta hai, find the number of members listening to Bengali music. When they say Bengali music matlab पूरा बंगाली वाला सर्कल आएगा. तो अगर पूरा बंगाली वाला सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो हमने पूरे बंगाली सर्कल का वैल्यू क्या निकाला है, 1050. सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकंड ऑप्शन 1050 है. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स लिसनिंग टू नन ऑफ द म्यूजिक. नन ऑफ द म्यूजिक बोला मतलब आउटसाइड द सर्कल. एंड हमने पॉइंट सेक्शन में क्या डिस्कस किया था, आउटसाइड द सर्कल चाहिए तो यूनिवर्सल सेट माइनस इनसाइड द सर्कल्स करने का. करेक्ट. सो इफ आई कम बैक टू द डायग्राम, अगर इनसाइड द सर्कल फाइंड आउट करना है तो आपको 7 एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा. एंड दोज एलिमेंट्स आर 650, 550, 450,
फिर थोड़ा और अंदर आओ, 100 + 300 + 200 एंड देन द इनर मोस्ट पार्ट 100. सो इनसाइड द सर्कल का आंसर आता है 2350. इनसाइड द सर्कल इज 2350. सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउटसाइड द सर्कल, वॉट आई हैव टू डू, यूनिवर्सल सेट में से इनसाइड द सर्कल निकाल दो. सो फ्रॉम 2800 इफ आई सब्ट्रैक्ट 2350 तो माई आंसर विल बी 450. तो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, आउटसाइड द सर्कल में आंसर 450 आया, विच इज ए ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स लिसनिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ म्यूजिक. नाउ व्हेन दे से ओनली वन, आर यू वेरी क्लियर कौन सा ओनली वन? नहीं ना, तीन पॉसिबिलिटी है, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली बंगाली. तो इफ यू लुक एट द डायग्राम, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली बंगाली, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली बंगाली. सो इफ यू एड ऑल द थ्री टर्म्स, योर आंसर विल बी 1650. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट ऑप्शन 1650 है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स लिसनिंग टू एटलीस्ट टू टाइप ऑफ म्यूजिक. अब एटलीस्ट टू बोला मतलब टू या टू से ज्यादा, बराबर. तो अगर आप वेन डायग्राम देखोगे, कौन से पार्ट से जिसमें दो या दो से ज्यादा म्यूजिक कवर होता है, इट इज दिस पार्ट. ये जो मैंने शेड किया ना, उसमें देखो या तो दो म्यूजिक है या तो दो से ज्यादा है. इसके बाहर गए तो सिर्फ एक म्यूजिक कवर होता है, बराबर. सो जो मैंने शेड किया उसमें चार नंबर्स इन्वॉल्व है, तो अगर आप वो चार नंबर्स को ऐड कर दो तो एटलीस्ट टू का आंसर मिल जाएगा. सो आई नीड टू ऐड 100, 300, 200 एंड 100. सो माई आंसर इज 700. देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सी वाला ऑप्शन इज 700, सी वाला ऑप्शन. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. एंड इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो ऑफ मेंबर्स लिसनिंग हिंदी टू दैट ऑफ लिसनिंग बंगाली. अब जब हिंदी बंगाली बोला मतलब पूरा हिंदी का सर्कल का रेशियो विद पूरा बंगाली का सर्कल. देखो डायग्राम, पूरा हिंदी का सर्कल 1050 है एंड पूरा बंगाली भी 1050 है. तो जब आप उनका रेशियो लोगे तो कैंसिल होके 1/1 आएगा ना. तो माई करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 8th क्वेश्चन का 1:1. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो लोग बोलते हैं द कार्टिशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स, जिसमें से दो एलिमेंट्स दिया हुआ है -1, 0 एंड 0, 1. एंड वो लोग बोलते हैं फाइंड द सेट ए. आपको सेट ए कैसा दिखता होगा ये फिगर आउट करना है. उसके लिए ना कार्टिशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. नाउ यू नो दैट अगर अपने को ए इंटू ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला इज एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए. अब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ए इंटू ए में टोटल 9 एलिमेंट्स है. आप क्वेश्चन देखो, ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स ऑलरेडी बोला हुआ है. तो दिस इज 9, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए का स्क्वायर हो गया. तो अगर एन ऑफ ए का स्क्वायर 9 है तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 3 एलिमेंट्स, करेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो लोग ए इंटू ए बोलते हैं मतलब ए के एलिमेंट्स को ए के साथ ही पैरिंग में रखा है. और आपको अभी पता है कि ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, देखो उन्होंने जो दो एलिमेंट्स दिया हुआ है -1, 0 एंड 0, 1, उसमें 3 टाइप का नंबर था, -1, 0 एंड 1. और क्योंकि अपने को पता है कि सेट ए में 3 ही एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली सेट ए का अंदर का एलिमेंट्स क्या होगा? -1, 0 एंड 1. लुक एट सी वाला ऑप्शन, -1, 0 एंड 1, वही सेट हो गया ऑप्शन. सब इट गया ग्रेट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स कंटेनिंग एम एंड एन एलिमेंट्स. तो ए के अंदर
m एलिमेंट्स हैं और b के अंदर n एलिमेंट्स हैं। फिर लोग बोलते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू b। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बराबर। अब हमें किसका सबसेट ढूंढना है, a इंटू b का, तो अपने को पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि a इंटू b में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो आई नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू b, जिसका फॉर्मूला क्या है, n ऑफ a इंटू n ऑफ b, दैट इज m n। तो a इंटू b में टोटल m n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो आएगा 2 raised to m n। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, तो उसका सेकंड ऑप्शन देखो 2 raised to m n, विच इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अब ना मैं इसी को कंटिन्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो सब लोग, वो लोग बोलते हैं फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यू नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, बराबर। नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने को बोले, रिलेशंस का डेफिनेशन क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम a टू b, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना इज एज गुड एज नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट का फॉर्मूला क्या है, 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। अब ऑलरेडी तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ए एन टू बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एम एन एलिमेंट्स है ना, तो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट कितना बनेगा, 2 raised to m n, माइनस 1। थैंक यू।